हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वित है और इस वीडियो का टॉपिक है अपना वर्चुअल लैंड्स। तो वर्चुअल लैंड्स बेसिकली होता क्या है वो तो हम देखने वाले हैं, पर पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि लैंड क्या होता है। तो पहले तुम्हारे सामने एक डायग्राम है, देखो कन्वेंशनल लैंड का। तो कन्वेंशनल लैंड में क्या होता था कि एक जो हमारा स्विच होता था उसमें हम ऐसा वायरिंग करते थे कि जैसे ये स्टेशन 1 2 3, मतलब कंप्यूटर्स ये हो गए, इनको मेरे को एक ग्रुप में करना है। तो मैंने एक स्विच यूज करके एक ग्रुप बनाया, ये दूसरा ग्रुप 4 और 5th PC को लेके बनाया, तीसरा 6 7 8 और चौथा 9 10 एंड सो ऑन। तो इस तरह मैं मैनुअल वायरिंग करके ग्रुप्स बनाता था और फिर उसको मैं लोकल एरिया नेटवर्क का नाम देता था। पर वहीं पे वर्चुअल लैंड मेरे को क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो बेसिकली उसके पहले सेंटेंस से चालू करते हैं कि द वर्चुअल लैंड एरिया नेटवर्क जो अपना वी लैंड है इज अ लैंड कॉन्फिगर्ड नॉट बाय फिजिकल वायरिंग। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे फिजिकल वायरिंग यूज कर रहे थे हम लोग, लाइक कन्वेंशनल लैन, बट इट इज कॉन्फिगर्ड बाय सॉफ्टवेयर। तो हम वायरिंग ना करते हुए वर्चुअली हम उनको कनेक्ट करेंगे, उनके ग्रुप्स बनाएंगे। तो वो अपना बेसिक आइडिया है वर्चुअल लैंस के पीछे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो देख लो, ये है तुम्हारा वर्चुअल लैन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पोर्ट्स हैं छोटे छोटे, उनसे एक एक कंप्यूटर्स जो है अपने कनेक्टेड है। तो मेरे मन में आया कि मेरे को 1 2 और 10, मन में नहीं, या मेरे जो ये है क्या बोलते हैं उसको, रिक्वायरमेंट है कि मेरे को 1 2 और 10th PC मेरे को ग्रुप 1 में चाहिए या VLAN 1 में चाहिए। तो मैंने उनको ग्रुप किया वर्चुअली यूजिंग द सॉफ्टवेयर की पोर्ट नंबर 1 2 और 10 को ग्रुप करके एक लैन बनाऊंगा, 3 और 8 को ग्रुप करके दूसरा, 5 6 से तीसरा, और चौथा मैं बचे हुए जो है 4 7 और 9 से बनाऊंगा। तो ये मेरा VLAN कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे मैं वायरिंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बस मैं उसको वर्चुअली कनेक्ट कर रहा हूँ या वर्चुअली ग्रुप्स बना रहा हूँ उनके, एक व्हाट्सएप ग्रुप जैसा यार, कि मैंने बहुत सारे कॉन्टेक्ट थे मेरे पास, उनको मैंने उठाया और वर्चुअली कैसे भी मैं ग्रुप बना सकता हूँ ना। मेरे को ऐसा थोड़ी ना कि उनसे कनेक्ट ही होना है, मैं कोई भी कॉन्टेक्ट उठा के एट अ टाइम एक वर्चुअल ग्रुप बना सकता हूँ। उसी तरह ये अपना वर्चुअल लैन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द टोटल स्टेशन आर डिवाइडेड इन 4 लॉजिकल ग्रुप्स इंस्टेड ऑफ फिजिकल सेगमेंट। जो अपने प्रीवियस देखा कि अपन ने 4 VLAN बनाए थे और फिजिकल सेगमेंट के बेसिस पे नहीं डिवाइड किया था, लॉजिकली उनको डिवाइड किया था। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू मूव 1 स्टेशन फ्रॉम 1 ग्रुप टू एनी अदर ग्रुप। मतलब एक स्टेशन जो अपना एक PC है उसको कोई भी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में डाल सकते हैं विदाउट चेंजिंग द फिजिकल कॉन्फिग्रेशन, बिकॉज मेंबरशिप ऑफ अ ग्रुप इज डिफाइंड बाय सॉफ्टवेयर एंड नॉट बाय हार्डवेयर। तो हमको उस कंप्यूटर को नहीं हिलाना है या उसकी वायरिंग को नहीं हिलाना है, हमको सिर्फ उसको वर्चुअली जो है एक ग्रुप से हटा के दूसरे ग्रुप में डाल सकते हैं, क्योंकि ये हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू और हार्डवेयर या फिजिकली हम इसको नहीं परफॉर्म कर रहे। तो ये एक फायदा है अपने VLAN का। और VLAN इज वेरी यूजफुल फॉर अ कंपनी हैविंग 2 सेपरेट बिल्डिंग्स। ये इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि समझो दो तुम्हारी बिल्डिंग्स है, आधा काम यहाँ होता है और आधा काम वहां होता है। तो अगर तुम लोग वायरिंग के थ्रू करने जाओगे तो काफी लेंदी, कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा। पर अगर तुम लोग सॉफ्टवेयर यूज करके एक स्विच से अगर कनेक्ट कर सकते हो दो डिपार्टमेंट्स को, दो बिल्डिंग के, तो वहां पे तुम्हारा VLAN काम आता है। और इन सब रीजंस की वजह से ही VLAN को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था या है। अब आ जाते हैं मेंबरशिप्स पे। मेंबरशिप्स मतलब क्या, कि किस बेसिस पे तुम ग्रुप्स बनाते हो। देर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स यूज टू ग्रुप वेरियस स्टेशन इन अ VLAN। तो 3 बेसिस है उसकी। पहला तो है पोर्ट नंबर। जैसे कि हमने पहले डायग्राम में देखा कि पोर्ट्स थे, तो हमने पोर्ट नंबर के बेसिस पे उसको ग्रुप किया कि 1 2 और 10, 4 और 6, उस बेसिस पे। तो दूसरा है अपना मैक एड्रेस, जो अपना 42 बिट मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, एक तुम लोग बोल सकते हैं एक हार्डवेयर जो होता है ना हमारा, जैसे एक राउटर होता है उसका भी एक मैक एड्रेस होता है, उसका वो फिजिकल एड्रेस होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। मतलब वो उसकी एक तरह से आइडेंटिटी है कि इस मैक एड्रेस का ये एक पर्टिकुलर राउटर है। ठीक है, तो वो एक 42 बिट मैक एड्रेस यूज करके भी तुम ग्रुप्स बना सकते हो। और तीसरा है IP एड्रेस। अब IP एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है। मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है, तो उसी जगह पे जो अपना IP है वो लॉजिकल होता है और वो चेंज भी हो सकता है टेम्पररीली या परमानेंटली। ठीक है, तो IP एड्रेस के बेसिस पे भी तुम तुम्हारे स्टेशन को कनेक्ट कर सकते हो VLAN में। तो मेंबरशिप्स तुम किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हो, पोर्ट नंबर के थ्रू, मैक एड्रेस के थ्रू और IP के थ्रू। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे। अब कॉन्फ़िगरेशन तो देख लिया, पर
इसमें भी इसके तीन टाइप्स है कि कैसे कॉन्फिगर कर सकते हो। एक होता है अपना मैनुअल कॉन्फिगरेशन। अब इसमें क्या होता है, जो इसका जो एसोसिएट होता है, मतलब जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कॉन्फिगर करने की लैन की, तो वो मैनुअली मतलब सॉफ्टवेयर में मैनुअली ग्रुप्स डिसाइड करता है, एक तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करता है कि ये सिलेक्ट करके मैनुअली ग्रुप्स बनाता है, तो वो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। दूसरा है अपना ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब कि खुद से सेंस करके और जैसा बेसिस पे उस रियल टाइम एनालिसिस पे जो डिसाइड होगा ग्रुप, उस बेसिस पे ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा तुम्हारा लैन, वो आता है तुम्हारा ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन में। और सेमी ऑटोमेटिक क्या, ना मैनुअल ना ऑटोमेटिक। इसमें क्या होता है, जो इनिशियल प्रोसेसेस होते हैं वो अपना एसोसिएट करता है और जो रिमेनिंग होता है वो ऑटोमेटिकली होता है। तो मतलब आधा काम वो करता है, आधा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है सेमी ऑटोमेटिक में। ठीक है, तो ये हो गया अपने वीलाइन कॉन्फ़िगरेशंस। अब आ जाते हैं इसके खासियत पे, जो इसका एडवांटेजेस है। तो पहला तो है रिडक्शन इन कॉस्ट। तुम लोग को वायर्स नहीं लग रहे एक्स्ट्रा, या तुम लोग को एक्स्ट्रा लेबर नहीं लग रहा बार बार लाइन चेंज करने के लिए, तो कॉस्ट में रिडक्शन हो गया। सेविंग ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिवायरिंग। रिवायरिंग के लिए पैसे तो बच गए पर तुम्हारा समय भी बच गया ना। अगर लाइन बार बार चेंज करोगे तो तुम्हारे काम पे भी उतना इफेक्ट आएगा, तो तुम्हारा टाइम भी बच गया। तीसरा क्या है, वी लैंस प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी। द मैसेज ब्रॉडकास्ट इन वन ग्रुप कैन नॉट बी लिसेंड बाय मेंबर्स ऑफ अदर ग्रुप्स। अब वायरिंग करोगे तो इंटरफेरेंस भी होगा, पर वी लैंस क्या प्रोवाइड कर रहा है कि अगर मैं एक ग्रुप से बात कर रहा हूं या ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड किया है सब पे, तो जो जाएगा तो वो एडजेसेंट ग्रुप जो है उसके बाजू वाला वो लिसन नहीं कर सकता, वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे तुमको सिक्योरिटी भी मिल रही है। चौथा, नो नीड टू चेंज फिजिकल कॉन्फिगरेशन। मतलब जो जैसा है फिजिकली उसको बिना हिलाए डुलाए तुम उसको बार बार रीग्रुप कर सकते हो, बार बार उसका लैन कॉन्फिगरेशन चेंज कर सकते हो, वो चीजें तुमको तुम्हारा वी लैन प्रोवाइड करता है। तो ये अपना वीडियो था वी लैन।